जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, क्या तारीखें होंगी और क्या उसकी पृष्ठभूमि होगी, क्या अभी समय लगेगा नहीं लगेगा, कोर्ट में कौन से मामले अभी लंबित हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर की जाती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इन विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जो अड़चन थी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अब समाप्त हो चुकी है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली जो याचिका लगाई गई थी उसे आज खारिज कर दिया है। यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी जिसमें कि 83 सीटों को 90 बनाया गया था और 5 पार्लियामेंट्री सीट्स बनाई गई थी, तो उसको जो चैलेंज कोर्ट में किया गया था उस चुनौती को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र के पास डिलिमिटेशन का अधिकार है और इस मामले में सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला परिसीमन आयोग ने लिया, जो सीटें बढ़ाई गई जिस हिसाब से बढ़ाई गई, ये अधिकार केंद्र के पास है और जिस हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया चली है ये बिल्कुल सही चली है और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इसके खारिज होने के साथ ही अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए रास्ता साफ हो चुका है। यानी कि कोई भी अगर आप लीगल आप हर्डल कहेंगे या लीगल हिकअप्स कहेंगे तो वो अब समाप्त हो चुके हैं और चुनाव जो है वो अब इसके बाद कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। अगर आप चुनावों की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी अटकलें हैं और सियासी गलियारों में भी इस प्रकार की हलचल है कि शायद इस वर्ष चुनाव यहां पर विधानसभा चुनाव हो जाए। लेकिन अगर हम लीगल मैटर्स की बात करें कि क्या उसमें कानूनी अड़चने थी, तो परिसीमन आयोग की ये रिपोर्ट जिस पर की याचिका लगाई गई थी उसका निपटारा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे वो जाहिर सी बात है नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, नए विधानसभा क्षेत्र होंगे, 83 से 90 हुए हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है और जिस पैटर्न पर जिस हिसाब पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रा की गई है अगर उसी को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में, तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होना लाजमी था। और इस पूरे मामले में आज इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला जो था वो सुनाना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो है वो अपना फैसला सुनाया है और फैसले में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अबे एस ओ की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार को डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का अधिकार है, जाहिर सी बात है, और इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है। यानी कि जो केंद्र ने किया वो उचित है, केंद्र ने अपने अधिकारों से बाहर कुछ भी नहीं किया है और ऐसे में जब ये पूरी डिलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली याचिका ही खारिज हो चुकी है तो सीधे तौर पर ये मान लिया जाए कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अब जो लीगल हिकअप है या फिर लीगल हर्डल है वो नहीं बचा है, तमाम लीगल हर्डल्स अब समाप्त हो चुके हैं और कोर्ट ने ये साफ कहा कि जो सीटें बड़ी हैं वो बिल्कुल जो कमीशन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंगली जो भी वहां पर डेटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग बनी है। यानी कि किसी भी प्रकार से कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और यही कहा कि केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो सीटों को वो डिलिमिटेशन कमीशन को बना सकता है, उसका गठन कर सकता है और जो गठन किया गया वो अधिकारों के तहत ही किया गया। हालांकि जो वहां पर सवाल किए गए थे कि कुछ और क्षेत्र हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहां पर 2019 के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर यह कहा गया कि उन क्षेत्रों में शांति बहाली नहीं है इसीलिए जो है वो वहां पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं चली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जो कि इस फैसले को चुनौती दे रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और इसके खारिज होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।